नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश वंदे मातरम में। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहां हर मजहब के लोगों को समान अधिकार मिले हुए हैं। आपस में लोग प्यार से मिलकर रहते हैं, लेकिन यही सामाजिक ताना बाना कम्युनल पाकिस्तान को बिल्कुल भी नहीं भाता। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए मुसलमान भी बढ़ चढ़कर आगे आए हैं। कट्टरपंथी पाकिस्तान इस बात को पचा नहीं पा रहा, इसीलिए उसने एक ऐसी साजिश रची है जिससे देश का माहौल बिगड़ जाए। अयोध्या में राम नाम की गूंज, पाकिस्तान के पेट में दर्द। भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू, पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ी। हिंदू मुस्लिम एकता देखकर पाकिस्तान ने साजिश रची। कश्मीर में अमन देखकर पहले से ही बौखला रहे पाकिस्तान की नींद, अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण शुरू होने से उड़ चुकी है। उसे समझ नहीं आ रहा कि कैसे यह सब कुछ आसानी से हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के फितरत तो खून खराबा रही है। अल्पसंख्यकों पर जुल्म की रही है, कट्टरपंथ के अलावा उसे कुछ और नहीं दिखता। पाकिस्तान की बेचैनी इस कदर बढ़ी हुई है कि उसने एक बड़ी साजिश रची। साजिश का ब्लूप्रिंट पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने किया है। आईएसआई ने भारत में माहौल बिगाड़ने के लिए जो प्लान तैयार किया है, उसमें वो भारत में तीन जगह के लोगों को टारगेट कर रहा है, जिसमें सबसे पहले बीजेपी के बड़े नेता, आरएसएस के नेता और दूसरे हिंदू संगठनों से जुड़े लोग। इन तीन तरह के लोगों पर एक के बाद एक अटैक करने के लिए पूरा नेटवर्क तैयार किया गया है। पाकिस्तान काफी समय से भारत के अंदर जो अंदरूनी मामला थे उनको बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। अभी तक उसका जो खास जोर था वो जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब में आतंक को आगे बढ़ाने की कोशिश और लगातार इन्वॉल्व भी था, खालिस्तानी मूवमेंट को दोबारा से आगे बढ़ाना। लेकिन अब ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे ऐसा लगता है कि वो पूरे मुल्क में हिंदू मुस्लिम झगड़े कराने का फसाद फैलाने की कोशिश है। आपको दिल्ली दंगों और बेंगलुरु दंगों की तस्वीरें याद होंगी, जिनमें पीएफआई का कनेक्शन सामने आया था। पीएफआई ने फंडिंग की थी, जिसके बाद हिंदू मुस्लिम सौहार्द बिगड़ गया था, जबकि दंगे हुए नहीं, ये एक तय साजिश के तहत कराए गए थे। इसी की तरह आईएसआई हिंदू नेताओं की हत्या कराकर दंगे कराने की फिराक में है, जिससे ये जता सके कि राम मंदिर बनने की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन ये मंसूबा कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि खुफिया एजेंसियों को इसके बारे में पता लग चुका है। वो नेटवर्क खुल चुका है जिसका इस्तेमाल आईएसआई करने वाली थी। दरअसल खूंखार आतंकी दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क का इस्तेमाल करने का प्लान बनाया है। दाऊद के गुर्गों के जरिए वो ऐसा करना चाहता है। इस साजिश के बारे में दाऊद के गुर्गों ने एटीएस को अहम जानकारी दी,
जिसे गुजरात एटीएस ने प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष और पूर्व गृह राज्य मंत्री गोवर्धन जटविया की हत्या की साजिश में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार किया गया इमरान शेख उर्फ कालिया छोटा शकील का शार्प शूटर है। दाऊद को तो यहाँ पुराना लिंक रहा है, लेकिन आज की डेट में दाऊद काफी हद तक कमजोर हो गया है, लेकिन यहाँ पे अंडरवर्ल्ड जो है बड़ा एक्टिव है, जैसे आजकल बॉलीवुड में देखा गया है। तो अंडरवर्ल्ड का भी पाकिस्तान पूरा यूज करेगा, पाकिस्तान के कनेक्शन रहे अंडरवर्ल्ड के साथ। दूसरी तरफ यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनकी एंट्रेंस है जेएनयू में, एएमयू में और शाहीनबाग जैसी जगह में। गुजरात एटीएस को इरफान शार्प शूटर से जो जानकारी मिली उससे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि ये बेहद खौफनाक मॉड्यूल है, क्योंकि इरफान जैसे कई और गुर्गे के बीजेपी संघ से जुड़े हिंदू नेताओं को मारने की साजिश रच रहे हैं। खुफिया एजेंसियों के रिपोर्ट को देखते हुए गृह मंत्रालय ने राज्यों से बीजेपी संघ और दूसरे हिंदू संगठनों से जुड़े नेताओं की सुरक्षा कड़ी करने को कहा है। खुफिया एजेंसियों के सूत्र से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान इस खौफनाक मंसूबे में राम मंदिर का बदला लेना चाहता है, इसलिए भाड़े के कातिलों से हत्या कराकर एक साथ कई इलाकों में तनाव फैलाने का मंसूबा पाले बैठा है। हत्या से लोग आक्रोशित होकर एक दूसरे से भिड़ जाएं, जैसा हाल दिल्ली दंगों में देखा गया, जबकि साजिशकर्ताओं को खरोंच तक नहीं आई और सीएए का विरोध दंगे में बदल गया। इसके पीछे बड़ी साजिश सरकार को बदनाम करने की भी है। यही मॉड्यूल दाऊद के गुर्गों को मिलाकर भी अपनाया गया है, और अगर इस बार हत्या करने वाले पकड़े जाएं, तो उसमें दाऊद के कनेक्शन का नाम सामने आए और पाकिस्तान की साजिश का पता ना लग सके। लेकिन खुफिया एजेंसियों के सामने पूरा खुलासा हो चुका है। साथ ही पाकिस्तान को यह भी समझना होगा कि भारत में ऐसा करना नामुमकिन है, क्योंकि यहां रहने वाले अमन पसंद लोग हैं जो पाकिस्तान की साजिशों को बखूबी जवाब देना जानते हैं।